नमस्कार, मैं हूं म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इस बुक के बारे में चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा लगभग 30 साल का अनुभव है टीचिंग में और लगभग 25 साल का अनुभव है काउंसलिंग में। इन सारी ही चीजों का समागम इस किताब में देखने को मिलता है और जिस विषय को ध्यान में रखकर मैंने ये किताब लिखी है वो ये कि मनोविज्ञान के जो बहुत गूढ़ सिद्धांत हैं वो कई बार एक सामान्य वर्ग के समझ से बाहर रहते हैं और उसको सिंप्लीफाई करना और उसको जीवन में उतारने के लिए कई बार बड़े स्पष्ट किस्म के संकेतों की आवश्यकता रहती है। तो इस किताब में जो लिखा गया है वो ये कि आप जीवन की हर समस्या जो एक सामान्य व्यक्ति जिससे जूझता है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि हम अपने दोस्तों का दायरा कैसे बढ़ा सकते हैं या अगर हम अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ अपना सहसंबंध बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी क्या उपयोगिता है, या एक अगर हम घर में जानवर पालते हैं तो उसका हमारे मनोविज्ञान पर क्या असर होता है, इन सारी ही चीजों के बारे में बातचीत इस किताब में की गई है। और चूंकि मेरा अनुभव जो क्लिनिकल अनुभव है उसमें कई केसेस में देख चुका हूं तो आधार जो है वो मैंने केस को बनाया है और उसके बाद जो चीज है उसके लक्षण समझाए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये कि उससे निपटने के लिए हमें करना क्या चाहिए। जिस वजह से ये किताब लिखी गई है वो ये कि मनोविज्ञान का मतलब सिर्फ मनोविकारों के साथ जूझना नहीं है, मनोविज्ञान का एक बहुत सकारात्मक पक्ष रहता है और अगर सकारात्मक पक्ष की ओर हम ध्यान दें तो शायद जिस प्रकार का उत्थान हमारे व्यक्तित्व में हो सकता है, जिस प्रकार की खुशी को हम महसूस कर सकते हैं और जिस दर्जे तक हम ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, उन सब में कामयाबी हासिल करने के लिए इस सकारात्मक पक्ष को सामने लाना बड़ा जरूरी है। इसलिए संभव है कि आप इस बुक के माध्यम से दूसरे लोगों को भी मदद कर पाएं। बहुत अच्छी जानकारी दी मिश्रा जी आपने, बताया इसकी सोच के बारे में और इसके विषय वस्तु के बारे में। हम देख रहे हैं कि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनके पास वक्त कम है, आपने फोकस किया है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भावना को समझने के लिए उनसे बातचीत करना चाहिए, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? जी, इस किताब में बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने लिखा है जिसमें पेरेंटिंग पर कई आर्टिकल्स हैं। तो जब हम पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि माँ बाप होने के नाते हमसे बड़ा अपने बच्चों के हित का रक्षक होगा कौन। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि वो एक कला है और उस कला को साधना पड़ता है, उसकी बारीकियां समझना पड़ता है। छोटी सी चीज है वो ये कि कई बार हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि हम बच्चों को मना नहीं कर पाते, तो अगर हम बच्चों को मना करते हैं तो बच्चों का व्यवहार हमारे प्रति परिवर्तित हो जाएगा या उनको बुरा लग जाएगा। साधारण सी चीज़ें हम इस किताब के माध्यम से जान पाएंगे कि बच्चों को अगर समझाना भी है तो वो हम कैसे समझाएं, बच्चों के अंदर क्या चीज़ें हैं जो प्रगति की परिचायक हैं और बच्चों को अगर हमें पढ़ाई के प्रति उत्साहित करना है तो उसके भी क्या तरीके हो सकते हैं। और ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि कई बार कुछ बच्चों के मनोविकार भी होते हैं जिनके प्रारंभिक लक्षण अगर हम समझ पाएं तो शायद उन विकारों से मुक्ति दिलाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। इन सारी ही चीज़ों का समागम एवरीडे साइकोलॉजी किताब में आपको मिलेगा। आजकल बच्चे चाहे वो परीक्षा में मार्क ना ला पाते हों या किसी और दबाव के कारण बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं, तो आप हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, यूं तो मैंने इस किताब में स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छे से नियंत्रण में रखी जा सकती है अगर हमारे सोच में परिवर्तन आ जाए। क्यों हम ऐसा होता जा रहा है हमारे जीवन में कि हम टेक्नोलॉजी से इतने प्रभावित हो गए हैं कि उस प्रभाव की वजह से हम वास्तविक जीवन में लोगों से कटते चले जा रहे हैं, जहां हमें टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने के बहुत ही सटीक
रास्ते दिखाती है कि हम तुरंत ही लोगों के संपर्क में आ सकते हैं और बातचीत उनके साथ जब चाहे तब कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको ईमेल्स कर सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ हमें जोड़ने की बजाय दूसरे लोगों से अलग करती जा रही है। तो कहीं भी हम लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने वाली बात को जो है वो छोटा ना समझें, लोगों के साथ सहसंबंध अच्छे बनाएं, और तब आप पाएंगे कि जीवन के जो तनाव हैं उनके साथ जूझने की शक्ति